हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लगानी पड़ेगी हटाओ। सरकार गलत फहमी में ना रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलत फहमी मत पड़े किसानों के प्रति कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों का है, पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करी ना, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा। और अब की बार में हल क्रांति होगी, हल क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से सुनना कान खोल के, हल क्रांति होगी, हल क्रांति पूरे देश की हल क्रांति होगी। और जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएगी, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो लाठी दिखाई दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। हमारे जो पंच है, सरकार कान खोल कर सुनना, उस पंचों से बात कर ले। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। ये कहते हैं कि हरियाणा में पंचायत कर रहे हैं, हरियाणा में तो होगी, अब राजस्थान में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, बंगाल में, सब जगह करेंगे। कोई बैन है हमारे में? 40 लोग हैं, 40 लोग जत्थेबंदी है। और जिस तरह से हरियाणा के खापू का जिस तरह से समर्थन मिला है पूरा, हरियाणा की खाप ने कल पंचायत करके कह दिया कि जब फैसले होते हैं तो फैसले में ना पंच बदले जाते ना मंच बदला जाता, ना मंच बदला जाएगा और ना पंच बदला जाएगा। जो हमारे पंच है हम उन्हीं से ही फैसले करवाएंगे। किसानों के फैसले, फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेंगे। हम अगर यहाँ नहीं भी होंगे, हम अगर मीटिंग में होंगे, यहाँ पर जो हमारे 40 पंच है उसमें से 30 में चले जाएंगे ना, तो वे फैसले करेंगे। आपके लिए खड़ा होकर देखो जाइयो, बस अपने हाथ में रख दियो, अपना कुछ और भी चीज दिखा दियो ना हाथ में रख, हर पत्ता भी दिखा दियो भाई, उनका हर पत्ता भी दिखा दियो। कल चलवाया वहां पर हड़, ये जिस हिसाब से 2-2 दिन में 5-5 दिन में पंचायतें हो रही है, ये शर्म नहीं लग रही सरकार को कि किसान कितना तंग है। रोटी पे व्यापार दुनिया में करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जिस तरह से कटिल तार और बैरिकेटिंग दिल्ली में लगाई गई है, उसके अंदर अनाज बंद होगा, जो गोदाम बने हैं उसके अंदर यही कटिल तार और किले लगेंगे। बंदर भी रोटी नहीं जा सकता, अंदर से जा ही नहीं सकता। देश में कुत्ते भी भूख से मरेंगे, टुकड़ा नहीं मिलने का उनको, ये हालात कर देंगे। बोला व्यापारी ने ताले के अंदर अनाज बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, गरीब आदमी का क्या होगा? जो मजदूर आदमी है खेत में गांव में रहकर काम करता था उसका क्या होगा? आज तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, पहले सरदार को तोड़ा, फिर पंजाब को तोड़ा, फिर हरियाणा को अलग करा, फिर अब और कुछ नहीं मिला, कह लगे कौम की लड़ाई है। भैया कौम तो ना पीछे से रहे ना, दूसरे वाले जो है ना वो ना क्या करो, अब टाइम आ गया बिल्कुल, ये तो अपना पीछे रहो और अगले वाला आगा होगा, जो जिसको बतावे। जहां पर भी बयानबाजी करना हो ना तो दूसरे वाले जो हमारे मजदूर हैं उनको आप क्या करो, आ रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ले सारे, अब उनका उनका जवाब ये देंगे, ये देंगे उनका जवाब, ये सारे जवाब देंगे। कोई भी हो अपने गांव में नाम लिख लो उनके, और अगर कोई जातिवाद की बात करे उनको हमारे फैसले ये करेंगे भाई, इनको आप क्या करो, आप इनसे लड़ाई लड़ेंगे, आपसे लड़ाई लड़नी है अब हमको, ठीक है। जो ये
कहते हैं ना जो बकवास लग रहे करने, और कुछ नहीं मिला कह लेगा कौम में एक कौम छोड़ दो। अरे कौम का क्या मतलब है, ये तो नई बिरादरी, अब के बार तो बिरादरी मिली है, अब की बार तो मिली, जो किसान बिरादरी है वो अब की बार मिली, बहुत दिन से तलाश कर रहे थे भाई। मगर पंजाब वाले आ जाए, वे वही करते थे, चंडीगढ़ घेर लिया, नजदीक नहीं आते थे, अब की बार आए, अब की बार उन्हें जाने ही नहीं देना हमको। इतने मजबूत आदमी तो पहली बार मिले, हम दान पुण्य बहुत कर देंगे, लस्सी बांट देंगे, दूध बांट देंगे, लेकिन हमारे पास में ठियेबंदी नहीं है। हमको ठियेबंदी आदमी मिल गए, जो सरदार कौम है, ये ठियेबंदी है, लंगर भंडारा बहुत बढ़िया चला में, अपना आप ठियेबंदी का काम करते रहो, कोड़ी इनकी भी बरक्की, छोड़नी इनकी भी नहीं, और आपस में नत्यादारी रिश्तेदारी ब्याह आदमी माना जाना को पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, और ज्यादा अगर खराब स्थिति सरकार ने करी तो ये दूर कहीं नहीं गए, ये आंदोलन भी चलाऊंगे, ये ट्रैक्टर लेकर बंगाल की तरफ को भी चलेगा, सारा किसान अगर बंगाल की तरफ को हो जाए ना सारा फातिया सा फट देंगे। दिक्कत वहां पर भी बहुत है, बंगाल में भी वहां के किसान को एमएसपी मिली नहीं रही, न बिहार के किसान को मिल रही, वहां तो मंडियां भी खत्म कर दी, बिहार में घास जम गया, 5-5 फुट के पेड़ वह घास जम गया वहां पे बिहार में, वहां का जो समुद्र में जो मछली पकड़ने का काम करता है वे भी किसान है, फिशरीज के किसान उनको बोलते हैं, बहुत बुरा हाल उनका है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आ रही वे मछली पकड़ रहे, और जो वहां के समुद्र के नजदीक के जो लोग रहते थे वे बेरोजगार हो रहे, वे सब किसान है, मुर्गी पालन वाला भी किसान है, बकरी पालन वाला भी किसान है, अंडे का व्यापार करने वाला भी किसान है, सब्जी का भी किसान है, खाली किसान गेहूं धान और गन्ने का किसान नहीं, जो भी धरती पे पैदा हो रहा है सब किसान है। ये लड़ाई मजदूर की लड़ाई भी है, ये लड़ाई जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर किसी ने एक पोस्ट डाल दी तो उनको नौकरी से हटाओगे, कोई गुंडागर्दी है कोई, इनके लोग नौकरी करेंगे, अपने लोगों ने अगर कुछ कह दिया तो उनको नौकरी से हटाओगे, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, उन कर्मचारियों की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, उनके भी क्वार्टर छोटे बनाए हैं, जो पुलिस और पुलिस के लोग हैं उन पर ड्यूटी देंगे वे 24-24 घंटे, और तनख्वाह उनकी कितनी है, और मकान उनका 2 कमरों का 2 कमरों का 2 रसोई का मकान दे रखा, कोई रह सके, जो पुलिस के हमारे जवान है उनके क्वार्टर में जाकर उसका अगर माँ बाप जान लगे, तो ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई सभी कर्मचारियों की, लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, किस हिसाब से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे, फसलों के दाम बढ़ाओगे नहीं, दूसरी कीमतें बढ़ाओगे, इनसे क्वेश्चन कर रहे, जो बिल्लू ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इनसे पूछो कि जिनने 6 महीने भी जो एमपी विधायक रहेगा वो पेंशन लेगा, अगर वो दूसरा कुछ और बन गया तो चर-चर पेंशन एक का आदमी की, और जो कर्मचारी 60 साल में रिटायर होकर आ रहा वो जो उसकी तनख्वाह मिली वो तो गड़बड़ ने ले ली, वो फिर हाथ फलाता रहे पत्ता जिंदगी, 60 साल सरकार की नौकरी करी और उसकी पेंशन खत्म कर रहे, क्यों खत्म कर रहे भाई, पहले इनकी खत्म करो, पहले इनकी खत्म होगी तो कर्मचारी की भी होगी, नहीं तो उनकी भी नहीं होगी, ये लड़ाई उनकी भी लड़ेंगे, आप दिक्कत ना करो, ये मोर्चा ऐसा बन गया कि ये पूरे देश की लड़ाई लड़ेगा, इन पे विश्वास रखना, 40 लोगों पे आप जैसे आप सपोर्ट कर रहे ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना, और हरियाणा का हमें पूरा जिस तरह से सपोर्ट हरियाणा खड़ा हुआ है ना साथ में, उत्तर प्रदेश वाले खड़े हुए, राजस्थान वाले खड़े हुए, जा रहे हम राजस्थान में भी 23 तारीख से 22 और 23 तारीख से राजस्थान के हमारे दौरे लग जाएंगे, हरियाणा में तो अभी 1-2 प्रोग्राम रहेगा, फिर राजस्थान में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ है, सब जगह जा रहे, तो अपनी तैयारी रखो, और हल क्रांति होगी, हल्के जो जो औजार आते हैं ना कृषि के उनको सबको तेल पानी लगाकर तैयार रखना, उनका नाम तो बताते नहीं, फिर नु कहेंगे जी आपने ये कह दिया, हम कुछ कह दें उसका कुछ और अर्थ निकाल लेंगे, तो सारी चीजों पे ध्यान रखना अपना, इसके ऊपर कुछ और भी लगे वो भी लगा कर रखना, क्योंकि जब वोट क्लब पे जब रैली थी 88 में
तो उनका इलाज पाइप ऊंचा हो गया था और सब कुछ नहीं था, वो नाक तोड़ तोड़ कर बची थी उनका, वहां से ही पाइप तोड़े उनके इलाज हुआ उनका। तो राजगंगों में घोड़ा पुलिस भी रहे भाई, इनपे घोड़ा रहे, आए कुंचे पे बटने घोड़ा, उनका भी इलाज होगा। तो अपनी फसलों पर ध्यान रखो, अपने घर परिवार पर ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, और ट्रैक्टर में तेल घेर कर रखो दिल्ली की तरफ को खड़ा हो खड़ा करके, कभी भी कॉल हो सके बस फिर अपना घर बार छोड़ झाड़ कर और अपना दिल्ली की तरफ को कूच कर दियो, कभी भी आवाज आ सकती है। और अब क्या कहा जाएंगे क्या वो बता देंगे, जब भी पहले बताते नहीं, वह कमेटी सब सलाह करके आपस में जो खाप चौधरी है और जो जिम्मेदार जो लोग हैं इनका सबसे बता देंगे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, जितने लोग यहाँ पर आए, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे घर वापसी नहीं आते, हमसे तो मुझे पनागर की सीमा में जाना नहीं, कोई नहीं जाना। एमएसपी पे कानून बनेगा तो देश के किसान को लाभ होगा, और हरियाणा और एनसीआर की पूरी जिम्मेदारी है कि पूरे देश का अगर लाभ दौड़ा है तो आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, आसाम का किसान भी देख रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।